खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। महिला सचिव सौ शोभना राउत मालाड विधानसभा आकाश पाटील यांच्या सौजन्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यातर्फे हे आरोग्य शिबिर आयोजित केलेले आहे आणि या आरोग्य शिबिरामध्ये भरपूर लोक लाभ घेत आहेत। इथे काठी वाटप, व्हीलचेअर, चष्मा वाटप, मुफ्त डोळे तपासणी, डायबिटीस चेकअप सर्व योग्य आणि भरपूर प्रमाणात मोफत इथे केले जाते आणि हे कार्य माननीय आकाश पाटील यांच्या सौजन्याने होत आहे। आणि प्रत्येक रविवारी अशाच प्रकारचे शिबिर प्रत्येक विभागात न चुकता आकाश पाटील घेतात आणि तिथे स्वतः बरोबर वेळेवर हजर राहून हे आरोग्य शिबिर यशस्वीरित्या पार पाडतात। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये ते मनसैनिक म्हणून आहेत, तरीही इतक्या उत्तम प्रकारे कोणीही आजपर्यंत असे कॅम्प घेतलेले नाहीत किंवा अशा प्रकारचा कार्यक्रम राबवलेला नाही। त्यामुळे मी असं म्हणेन की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला, मालाड विधानसभेला हा एक अनमोल हिरा मिळालेला आहे आणि ह्याचा लाभ प्रत्येक नागरिकांनी, प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी घ्यावा आणि त्यांना बहुमूल्य सहकार्य करावे। कारण त्यांच्या ह्याच्या पाठीमागे हेतू काहीच नाही आहे की कोणी पैसे देईल किंवा काही, कोणालाही काहीही गरज लागली तर त्यांच्या ऑफिसमध्ये हजर असतात आणि ते त्यांना सढळ हस्ते मदत करतात। एवढे काही अशा प्रकारचा मनसैनिक मला तरी वाटतं आजपर्यंत मालाड विधानसभेला कधीही 16 वर्षात लाभलेला नाही। तर प्रत्येक नागरिकाने ह्याची जाण ठेवावी आणि माननीय आकाश पाटील यांना सहकार्य करावे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। मी उज्ज्वला संदीप बोराडे, महिला शाखा अध्यक्ष, वॉर्ड क्रमांक 49। इथे पहिल्यांदाच ह्या विभागात फ्री कॅम्प करण्यात आला आहे। माननीय आकाश पाटील यांच्या सौजन्याने फ्री डोळे तपासणी, डायबिटीस चेकअप आणि ब्लड शुगर, व्हीलचेअर आणि स्टिक्स वगैरे लोकांना, जरूरत लोकांना देण्यात येत आहे। थँक्यू। उपविभाग अध्यक्ष महिला रेणुका पांडुरंग दिवे, वॉर्ड क्रमांक 49। माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आकाश पाटील साहेबांनी इथे 49 वॉर्डमध्ये जे कार्यक्रम घेतलेला आहे आरोग्य शिबिराचा, त्यासाठी इथे जमलेले सर्व पदाधिकारी मनसेतर्फे त्यांचं सर्वप्रथम मी अभिनंदन करते आणि त्यांचं स्वागत करते की पहिल्यांदाच आमच्या वॉर्डमध्ये इथे कार्यक्रम झालेला आरोग्य शिबिराचा। तसंच जनतेने यांना चांगला आम्हाला सहकार्य केलेलं, त्याबद्दल त्यांचे सर्वांचे आभार मानते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक ऐसा है कि अभी ये जो जितने भी मेडिकल कैंप चल रहे हैं ना आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने की तरफ से, और इसका पूरा जो सहभाग जितना भी है कार्य का, जितनी भी यंत्रणा लगती है सब लगती है, सब आकाश पाटिल जी सारे शाखा देश को दे रहे हैं। मैंने अभी तक मेरे ख्याल से काफ़ी हमारे
जो शिविर हुए उसका आप लोगों ने बाइट लिया हुआ है। तो मैंने हर बार आपको बताया कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक नया चैतन्य निर्माण हुआ है महिलाओं में, तो ये जो श्रेय जाता है पटेल साहब को जाता है, ऐसे श्रेय तो चलते ही रहेंगे। अभी तो इसको देख के बहुत लोग तैयार हो जाएंगे, आजकल उपशाखाध्यक्ष भी तैयार हो जाएंगे, गट अध्यक्ष भी कार्यक्रम करना शुरू हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड से लेके अब तक सब लोग कार्यरत में आ गए अभी, क्योंकि उनको कोई चीज़ की चलन मिल गई है। तो कैंप के बारे में और इसके कार्य के बारे में बोलते बोलते तो हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं अभी, और शायद आप लोग को भी पता चल रहा है मन से कहाँ तक जा रही है। और ये मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी, आप लोग को हमेशा हम दिखते ही रहेंगे। और अभी तो कैसा है ना कि हमारे और अलग और बहुत सारे कार्यक्रम करने की योजना चालू है, वो भी जल्दी से जल्द हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम कैंप के थ्रू छोटे छोटे एरियो में घुस रहे और अपनी सब पहचान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोगों में कैसा है कि शाखाध्यक्ष भी बहुत जगह पर जाने के लिए डरते अकेले। तो हमने ऐसी एक टीम बनाया और हमारे पास हमने देखा कि सारी महिलाएँ हुई, ऐसे नहीं कि एक ही शाखाध्यक्ष सब कुछ कर रही है, सारे विभाग के सारे पदाधिकारी एक साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। तो ये एकता हम इसमें दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैंप का हमारा ये संदर्भ है। देखिए अभी कैसा है ना कि मैं बताता हूँ आपको कि ये जो कैंप चल रहे हैं, हम तो किसी ना किसी बहाने से लोगों की तरफ पहुँच रहे हैं, तो हमको लोगों की तकलीफें पता चल रही है। पर बोलते हैं ना 10 तकलीफें, आज मेरे को बताओ हर बड़े से छोटे को हर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एक समस्या नहीं रहती, 50 समस्या निकली। हम सोचते हैं उसमें से हमने दो भी अगर कर दी उसके चेहरे की जो मुस्कान है वही कमाने हम लोग आए, और हम तो पूछने जाएंगे अगर वो आपको बता रहे तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और हम सोचते हैं कि हम जो काम करें उसमें हम सक्सेस हो गए, उनकी खुशी में हम सक्सेस समझ रहे हैं। हमारे हम ऐसे करते रहेंगे और ऐसी खुशियां बांटते रहेंगे। आप लोगों का काम देखकर ऐसा लगता है आप लोग जो आम जनता है उनकी तकलीफों से जमीनी स्तर से आप लोगों से जुड़े हैं, क्योंकि कैसा है हमारे जो आप लोग उनकी तकलीफ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि माननीय राज साहब के जो विचार है वो सामान्य जनता को टच करने वाले हैं। उनके भाषण आपने सुने होंगे हमेशा, तो हमेशा वो नीचे से ऊपर तक बोलते हैं, सभी को लेते हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रधान वो अपने छोटे लोगों को जिनको ज़रूरत है उस पर ज़्यादा देते हैं। बड़े लोगों की तो खींचते हैं और बगा रहे वीडियो वो सब दिखा देते हैं, उनकी पोल खोल लेते, पर आम आदमी को उनके विचार पड़ते हैं और हमको तो उनके विचारों से ये सारी प्रेरणा मिलती है। हम ऐसे करते रहेंगे, हमारे साहब के विचार ऐसे मन से सिंह है राजा है जंगल का, वैसे दहाड़ते ही रहेगा। पर दहाड़ कैसी होती है, दुश्मनों के लिए दहाड़ होती है और बाकी के लिए सहारा होता है।